नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। दोस्तों, आज हम आपको दो नदियों के संगम, सोम नदी और गोमती नदी के संगम पर लेकर चल रहे हैं और यहाँ के सुहाने दृश्यों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, मैंने अपना पुराना वीडियो देवगांव के देव सोमनाथ महादेव मंदिर पर बनाया था, जो कि सोम नदी के किनारे पर ही स्थित था। यह सोम नदी देवगांव से बहती हुई संगमेश्वर में गोमती नदी के साथ मिल जाती है और दोनों ही नदियों के मिलन को साफ ही देखा जा सकता है। दोनों ही नदियों के संगम स्थल पर दोनों नदियों का पानी अलग अलग रंग में प्रतीत होता है, जिससे संगम साफ ही दिखाई देने लगता है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि सोम नदी देवगांव से पीछे से बहती आ रही है और इस स्थल पर गोमती नदी यहाँ मिल रही है और दोनों ही नदियों का पानी का रंग अलग अलग है। इस संगम स्थल पर ही भगवान शिव का संगमेश्वर महादेव का मंदिर भी बनाया हुआ है। यह मंदिर भी अपनी प्राचीनता और मान्यता के कारण अपनी पहचान बनाए हुए है। पूरा ही क्षेत्र प्राकृतिक पहाड़ियों और नदियों के संगम से बहुत ही शांत और रमणीय प्रतीत होता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस संगमेश्वर महादेव मंदिर पर मेले का आयोजन होता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। डूंगरपुर के गणेशपुर गांव से यह 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब दो नदियों का संगम होता है तो उस स्थान पर बड़ी संख्या में मछलियां भी होती हैं। तो दोस्तों, इस स्थान पर भी बड़ी संख्या में मछलियां मौजूद हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ कितनी अधिक संख्या में मछलियां हैं। श्रद्धालु इन्हें आटे की गोलियां, बिस्किट आदि डालते हैं। हालांकि यह उचित नहीं है, क्योंकि इस प्राकृतिक जगह को इस तरह से दूषित करना मेरे विचार से अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं और प्रकृति का एहसास बहुत करीब से करना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। आप यहां आके अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहां पक्षियों के कलरव, बहते पानी की धारा का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इफ़ यू लाइक अवर वीडियो, प्लीज़ लाइक, share and subscribe. Thank you.